થી પ્રગટ હોય મેં જાના, પ્રેમ થી પ્રગટ થાય છે. जर जर में है झांकी भगवान की, जर जर में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की. जर में है झांकी भगवान की, जर जर में भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की. जल जल में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की. जर जर में है झांकी भगवान की, जर जर में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की. संत नामदेव, संत नामदेव जी महाराज ठाकुर जी के लिए भोग के लिए रोटियां बनाई, लेकिन रोटियां बनाने में थोड़ा विलंब हो गया तो भगवान से रहा नहीं जाता. आ गए कुत्ते का रूप बना करके आए, पीछे से रोटी रखी थी, आए और पूरा मुंह में रोटी भर करके भागने लगे. नामदेव जी का ध्यान गया, अरे ये तो रोटी लेके भाग गए. तो नामदेव जी डंडा लेकर नहीं दौड़े, घी का कटोरा लेकर पीछे पीछे दौड़े. प्रभु थोड़ी सी भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते, इतना भी धीरज नहीं रहा, ले लो प्रभु घी भी लगा लो साथ, घी भी ले जाओ. नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, वो पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे. बोले रुखी तो न खाओ थोड़ा घी तो लगाओ, बोलो रुखी तो ना खाओ थोड़ा घी तो लगाओ, क्यों रूप अपना मुझसे छुपा रहे, वो क्यों रूप अपना मुझसे छुपा रहे. तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, फिर काहे को हजूर. तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर. तूने सकल बनाई है सुवान की, तूने सकल बनाई है स्वान की, हमें ओढ़ने उड़ा दे इंसान की, जल ओढ़ने उड़ा दे इंसान की. हो जल जल में है झांकी भगवान की, किसी सोच वाली आँख ने पहचान की. जल जल में है झांकी भगवान की, किसी सोच वाली आँख ने पहचान की. ताली सेवा करते हुए
पीगा मीरा की निराली पीगे जहर की प्याले पीगा मीरा की निराली पीगे जहर का प्याले निगा मीरा की निराली पी गई जहर की प्याली निगा मीरा की निराली पी गई जहर का प्याले ऐसा गिर घर बसाया हर सांस में वो ऐसा गिर घर बसाया हर सांस में जब आया काला नाग बोली धन्य मेरे भाग जब आया काला नाग बोली धन्य मेरे भाग आज आए प्रभु सांप के लिबास में वो आज आए प्रभु सांप के लिबास में आओ आओ बलिहार आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मुरार काले कृष्ण मुरार आओ आओ बलिहार आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मुरार काले कृष्ण मुरार बलिहारी हूँ मैं आपके एहसान की बलिहारी हूँ मैं आपके एहसान की बड़ी कृपा है कृपा निधान की हो बड़ी कृपा है कृपा निधान की जल जल में है झांकी भगवान की किसी सोच वाली आपने पहचान की जल जल में है झांकी भगवान की किसी सोच वाली आँख ने पहचान की बाकी बिहार लाल की देशभक्ति देखो है प्रीत जहां की रीत सदा है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूँ भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ हो जहाँ की रीत सदा मैं प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वही के गाता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ हो 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 भक्त वत्सल भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण में नैमिषारण्य में बैठे हुए श्री सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों का प्रश्न होता है कि महाराज कृपा पूर्वक ये बताइए कि श्रीमद् भागवत की रचना कब हुई और क्यों हुई क्या जरूरत पड़ गई और किसने इसकी रचना की ये बताइए
दूसरी बात आप ये भी बताने की कृपा करें कि हम सब का कल्याण क्या श्रीमद् भागवत से होगा। तीसरी बात ये बताइए कि अवतार कितने हैं। चौथी बात ये बताइए कि भगवान के अवतार क्यों होते हैं। अवतारों में श्रेष्ठ कौन है। और ये भी बताइए कि धर्म किसकी शरण में है। सबसे बड़ा धर्म कौन है। जो अजन्मा है प्रभु उसका जन्म कैसे हो गया। आज भी बहुत सारे लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि नहीं कि भगवान तो अजन्मा छे, तो अजन्मा प्रभु नो जन्म केवी रीति है। तो आप जाने इस बात को, जैसे भगवान अजन्मा है वैसे आत्मा भी अजन्मा है। जैसे परमात्मा अजन्मा है वैसे आत्मा भी अजन्मा है। तो आत्मा यदि अजन्मा है तो आत्मा का जन्म होता है कि नहीं। आत्मा का जन्म भी नहीं होता। सच्ची बात तो यही है, केवल कलेवर धारण करता है, शरीर धारण करता है, शरीर धारण करता है। जैसे ये पंखा चल रहा है, इसके अंदर क्या है, करंट है। ये जो तार है तंत्री, इसमें बिजली है। तो क्या बिजली पंखा ही है? नहीं है ना। पंखा बिजली नहीं है। पंखा बिजली की सत्ता है तो पंखा चल रहा है, बिजली नहीं हो तो पंखा नहीं चलेगा। एक बात और है, उसी की सत्ता से पंखा चलता। यदि पंखा बिगड़ जाए तो क्या बिजली खराब हो जाएगी? नहीं फर्क पड़ता। पंखा बनता है, पंखा बिगड़ता है, बिजली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बिजली का संबंध हो तो यह पंखा चलता है, बिजली का संबंध ना हो तो पंखा नहीं चलता है। ऐसे ही आत्मा अजन्मा है, आत्मा अमर है, निश्चल है। आत्मा और परमात्मा दोनों में कोई फर्क नहीं। कैसे देखो, आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप। आत्मा सत्य है कि नहीं, है ना, बोलना। आत्मा सत्य है और परमात्मा भी। शरीर नाशवान है और संसार भी। शरीर का जन्म होता है, शरीर ही मरता है। संसार भी जन्म लेता है, संसार भी मरता है। बनता बिगड़ता, जन्मना मरना मतलब बनना और बिगड़ जाना। आत्मा नित्य है और परमात्मा भी नित्य है। शरीर अनित्य है, संसार भी अनित्य है। आत्मा एक रस है, घटता बढ़ता नहीं है। परमात्मा भी एक रस है, घटता बढ़ता नहीं है। लेकिन शरीर भी घटता बढ़ता है और संसार भी घटता बढ़ता है। आत्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप है और परमात्मा भी, लेकिन संसार शरीर पांच तत्वों से बना हुआ। ये सब जानते हैं, चिति जल पावक गगन समीर, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। शरीर पांच तत्वों से बना है और संसार भी पांच तत्वों से बना हुआ है। आत्मा सच्चिद आनंद स्वरूप है और परमात्मा भी। शरीर दृश्य है, संसार भी दृश्य है। आत्मा भी दृष्टा है और परमात्मा भी दृष्टा है।
आत्मा भी साक्षी है, परमात्मा भी साक्षी है। शरीर जड़ है और संसार भी जड़ है, आत्मा चेतन है और परमात्मा भी चेतन है। जिस चेतन के संबंध से अचेतन भी चेतन सा प्रतीत होता है, उनके तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उनके भाषणे से न तत्र सूर्यो भांति न चंद्र तारकम, उनके भाषित होने से यह सब भाषित हो रहा है। जैसे सोना है आपके पास, कान में, गले में, नाक में, आप हाथों में कंगन पहनते कि नहीं? कोई अंगूठी पहनता है, कोई हार पहनता है, सोने का आभूषण। आभूषण भिन्न भिन्न है लेकिन सब में सोना एक ही है कि नहीं, कि सोना अलग अलग है? आभूषण भिन्न भिन्न होने पर भी सोना एक है, आभूषण के नष्ट हो जाने पर, टूट फूट जाने पर भी सोना टूटता फूटता नहीं है, सोना एक जैसा ही रहता है। उसी तरह से शरीर के बदलने से आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी तरह से संसार बदलने से परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। जैसे यह शरीर आत्मा का आश्रय हो सकता है, आत्मा के संबंध से यह शरीर चलता, परमात्मा के संबंध से पूरा विराट चलता है। जैसे 3.5 हाथ का हमारा आपका शरीर है, 84 अंगुल का हमारा आपका शरीर है, वैसे 84 लाख योनियों का पूरा ब्रह्मांड परमात्मा का शरीर है। यह बात जानते हैं, विराट उनका शरीर है। हाँ, पद पाताल शीष अज धामा, पद जिनका चरण पाताल लोक है, जिनका शीष ब्रह्मलोक है, हाँ? अपर लोक अंग अंग विश्रामा, सारे अंगों में एक एक लोक विराजमान है, ऐसा विराट स्वरूप वाले परमात्मा है हमारा, हमारा ईश्वर है, हमारे प्रभु है। वह कर भी सकता, वह नहीं भी कर सकता है, वह कुछ उलट पुलट भी कर सकता है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ स ईश्वर, यही तो उनका स्वरूप है। अखिल देह नाम अंतरात्मदिक, जो पूरी सृष्टि को बनाता है, बिगाड़ता है, उसी में निवास भी करता है, हैं? एक बार एक मूर्तिकार था, मूर्ति बनाने वाला, उसने बड़ी प्रसिद्धि हासिल की, पूरी दुनिया में उसका नाम हो गया कि ऐसा मूर्तिकार कोई देखा नहीं आज तक। एक दिन उसने अपने ही जैसे 4-5 मूर्तियां बनाई, अपने सेम अपने आकृति में अपने अनुसार बना दिया, और छठे में खुद उसमें खड़े हो गए। प्रदर्शनी बहुत भीड़ भाड़ लगी थी कि पहचानो कि मूर्तियों में मूर्तिकार कौन है, और जो जाता देखने के लिए आश्चर्यचकित, कोई बता ही नहीं पाता कि इसमें मूर्ति बनाने वाला कौन है। तो समझना, हम सब की जो शरीर मूर्ति है, हम सब क्या है? एक मूर्ति है, इन्हीं मूर्तियों में कोई मूर्तिकार हमारा गोविंद बैठा हुआ है, सबको बनाने वाला हमारे साथ बैठा हुआ।
परम धर्म क्या है? सवै पुंसाम परम धर्मो, सबसे बड़ा धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो, यतो भक्ति अधोक्षजे, अहैतुक्य प्रतिहता जयात्मा संप्रसीदति। देखो, इतनी बात को यदि आप समझ लेंगे तो जो लोग ये कहते हैं, जिनके मन में शिकायत रहती है कि हमारा प्रभु में मन क्यों नहीं लगता है, तो आपका समाधान हो जाएगा। परम धर्म क्या है? बोले बस जिससे भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाए वही धर्म है। सीधी सी बात है। अभी प्रसंग आने वाला है, पितामह भीष्म सरसैया पर 52 दिन से पड़े हुए, आखिरी समय में युधिष्ठिर ने पूछा है पितामह भीष्म से कि दादा एक बात हमें बताइए कृपा पूर्वक कि धर्म क्या है? को धर्म सर्व धर्मानाम भवत परमो मत। मुझे बताइए कि आपके मत से, आपके विचार से सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म क्या है? तो पितामह भीष्म ने कहा कि बेटा, मरने वाला व्यक्ति मरते समय झूठ नहीं बोलता। अंतिम समय में कोई झूठ बोलेगा? वह सच बात बोल के जाता है। और मैं भी अब दुनिया से जा रहा हूं, इसलिए जान लेना कि मैं 100% सत्य कहने जा रहा हूं, झूठ नहीं कहूंगा। नहीं दादा, आपने जीवन में कभी झूठ तो कहा ही नहीं, अब क्या कहेंगे? तो सुन लो। बोले मेरे विचार से एष मे सर्वधर्मानाम धर्मो अधिकतमो मतः, यद भक्त्या पुंडरीकाक्षम स्तवय रर्चे नर सदा। बेटा, मेरे मत से सबसे बड़ा धर्म यही है, जिस धर्म में भगवान की पूजा हो, प्रेम हो, भगवान के प्रति प्रेम हो, उनकी अर्चना, उनकी वंदना, उनकी शरणागति को स्वीकार किया जाए, वही धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। ये पितामह भीष्म का अंतिम वचन है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ आप करते हैं, उसी का ये श्लोक है। एष मे सर्वधर्मानाम, तो परम धर्म यही है। एक बात और कहा, भगवान में प्रेम तो हो, भगवान में भक्ति तो हो, लेकिन उसमें दो शर्त रख दिया है, एक अहैतुकी और दूसरा अप्रतिहता। दो बात को ध्यान रखना। एक तो अहैतुकी भक्ति, अनकंडीशनल लव, कोई शर्त नहीं चाहिए, कोई भी इसमें हेतु नहीं चाहिए, कोई निमित्त नहीं चाहिए। मेरा ये काम हो जाए तो मैं भक्ति करूं, ऐसा कभी नहीं सोचना। मेरा अमुक काम हो जाए तो मैं ये करवाऊं, ऐसा कभी नहीं करना। ये क्या, आप पहले काम करवाते हो फिर इनाम देते हो? ये तो सामान्य मानव करता है। फिर तो आप कोई कार्यकर्ता ढूंढ लो। ये आदमी नौकर से करवाता है कि जाओ अमुक काम करके आओ, तुमको हम पारितोषिक देंगे। लाला मेरा ये काम करवा देना, लाला तो को मिठाई खवाएंगे। यदि आपका काम नहीं करे तो लाला को तो आप भूखे ही मार दोगे ना। एक सेठ बेचारे बीमार थे, बीमार हुए तो उनकी पत्नी को मालूम हुआ कि भगवान का स्मरण करो, भगवान संकट काट देंगे, है ना, संकट काफी दे से तुम्हें भगवान ने साम्र, भगवान को स्मरण करो। तो उसने भगवान की भक्ति शुरू की, बैठ करके आराधना करने लगी। सेठ जी हॉस्पिटल में थे, संयोग से वो ठीक हो गए।
तो उसने भक्ति शुरू की और सेठ जी ठीक हो गए तो बहुत खुश हुई और उसने खूब बढ़िया दान पुण्य किया, पंडितों को खुश किया, ठाकुर जी को घर में लाकर खूब सेवा पूजा किया। उस दिन से भक्ति शुरू हो गई। बीमार तो आदमी पड़ता ही पड़ता है, हर बार आप वही कार्ड खेल रहे हैं, हर बार आप वही आजमा रहे हैं। अगली बार सेठ जी फिर बीमार पड़े तो इस माई ने फिर से कन्हैया से कह दिया, कन्हैया ठीक कर देना। पूजा पाठ किया लेकिन करने के बाद सेठ जी मर गए, बचे ठीक तो दूर गुजर गए। सेठ जी जब चल बसे तो सेठानी ने कन्हैया को उठाया, उधर जाके सड़क पे रख दिया घर से बाहर। तुमने हमारा काम नहीं किया, निकल जाओ मेरे घर से, यहां से शकल मत दिखाना अपनी। ऐसा करते हैं आप लोग, ऐसी भक्ति मत करो तो अच्छा है। अहेतु की पहली शर्त यह है कि उनसे कुछ चाहना नहीं है। आप अभी सुनेंगे आगे वो आएगा वृत्रासुर का प्रसंग। वृत्रासुर क्या कहता है कि मुझे आपसे स्वर्ग नहीं चाहिए। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, परमेष्ठी का पद नहीं, न सार्वभौमम, मुझे पृथ्वी का राजा भी नहीं बनना है, न रसातल का राज्य भी मुझे नहीं चाहिए, न रसातलम, और योग सिद्धि, बोले न योग सिद्धि, मुझे योग सिद्धि नहीं चाहिए। तो क्या मोक्ष ले लो, मुझे आपसे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए तब। बोले मैं तो केवल आपके दासों का दास, उसका दास बन जाऊं, हमारा आपका संबंध बन जाए। जेहि जो नि जन्मो कर्म बसता, राम पद अनुराग हो। जेहि जो नि जन्मो कर्म बसता, राम पद अनुसार हो। जेहि जो जिस किसी भी योनि में जाएं, कर्म है ना, कर्म के अधीन किसी भी योनि में जाना हो सकता है, लेकिन वहां आपके चरणों में प्रीति बनी रहे, आपके चरणों में प्रेम बना रहे, यही मांगना है भगवान से। उसने बाद में कहा कि हमारा तुम्हारा प्रेम कैसा हो, तो कहा कि अजात पक्षारिव मातरम खगा। जैसे किसी पक्षी को, शावक को अभी पंख उदय नहीं हुआ है, बना नहीं है, घोंसले में, नीड में, पिंजड़े में पक्षी होता है ना, घोंसले में अभी उसको पंख नहीं निकला, तो छोटा छोटा बच्चा होता है पक्षी का, तो घोंसले में च्यू च्यू करता, हमेशा किसका ख्याल करता है, किसको याद करता है मालूम है, अपनी माँ को याद करता है कि माँ कब आएगी, अपनी चोंच में, चंचू में कुछ कीटाणु लेकर आएगी, मुझे दे देगी। तो उसी चौकी पर रखो ना, वही रखो चौकी। अजात पक्षारिव मातरम खगाहा, स्तन्यम यथा वत्सतरा चुदारता। जैसे भूखा बछड़ा, गाय का बछड़ा कैसे अपने माँ के स्तनों को याद करता है,
आखिर में उसने कहा कि नहीं, ये सब तो स्वार्थ में याद करता है, भूख लगे तो माँ को याद करना, ये कोई सच्चा प्रेम थोड़ी है। सच्चा प्रेम है क्या? भूख लगे तो माँ को याद कर रहा, ये सच्चा प्रेम है। आखिर में कहा प्रियम प्रियैव विशुतम विसन्ना, जैसे कोई प्रेमी प्रीतम को याद करता है, इसलिए नहीं कि कुछ चाहिए उससे, बस प्रेम है तो याद करता है, यही है प्रेम का स्वरूप। अहै तुकी, कुछ चाहिए नहीं तुमसे, हमें तो तुम चाहिए बस। धर्म स्वनिष्ठिताम सुनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेनु कथासु यह नोत्पात येद यदि रतिः श्रम एव हि केवलम। आपने कोई अनुष्ठान किया, कोई शुभ कर्म किया, तो क्या प्रमाण है कि यह शुभ कर्म अच्छा हुआ, हमारा सही से हो गया? जैसे आप यहां यज्ञ करने आए हैं हरिद्वार, आप सब यहां आए ना, तो यह ज्ञानमय यज्ञ हमारा सफल हुआ, अच्छा से सफल हुआ, ये इसका क्या प्रमाण होगा? क्या प्रमाण है? बोले प्रमाण यह है कि भगवान की कथा सुनने की और इच्छा जागृत हो जाए। बस समझ लेना, सच्चा प्रमाण है कि हमने सच्चे दिल से इसका अनुष्ठान किया है और कथा सुनने की इच्छा हो जाए। और धर्म सनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेनु कथा सुयदि, भगवान की कथा में यदि प्रेम जागृत नहीं हुआ तो समझना आपने केवल पसीना बहाया यहां आकर के और कुछ लिया नहीं। खाए पिए भस्मीभूत शंकर पार्वती अवधूत, भस्मीभूत, तो आपने केवल यही किया। कथाओं में प्रेम, भगवान, अच्छा देखो, किसी से प्रेम हो जाए तो हम उसके बारे में और सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि नहीं? हम चाहते हैं देखें उनके बारे में और क्या कहता है, ये और क्या कहता है। तो सच्चा प्रेम तो यही है ना, कान उधर चला जाए उसके प्रति, अच्छा उसकी बात हो रही है, कैसे कोई समाचार मिल जाए, कैसे कोई संदेश मिल जाए, उनके बारे में कुछ सुनने को मिल जाए, इतनी उत्सुकता जगती है कि नहीं? ठीक ऐसे ही प्रभु में सच्चा प्यार हो जाए तो उनकी कथाओं में प्रेम हो जाएगा, जो कथा तो उनका ही संवाद है। उसी को उन्होंने कितने अवतार धारण किए, कोई आपके अपने प्रेमी के बारे में, प्रीतम के बारे में कोई चर्चा करे, अरे उन्होंने तो ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, उन्होंने वैसा किया, तो हमें भी जानने की इच्छा होनी चाहिए कि हमारे प्रभु ने कौन कौन से अवतार धारण करके कौन सी लीला की है। जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? सबको जानना चाहिए, किस अवतार में, कौन से कल्प में कौन सा अवतार हुआ और उस अवतार में कौन सी लीला हुई, ये हम सबको जानने। आपको बताएं कि महादेव हमारे शिव जी भगवान की एक भी लीला नहीं छोड़ते, एक भी स्वरूप के दर्शन को छोड़ते नहीं। एक बार खाली भगवान विश्व मोहिनी का रूप धारण किए, महादेव चूक गए, दर्शन नहीं कर पाए। सागर मंथन के बाद दर्शन नहीं कर पाए, दरअसल में पार्वती जी के साथ में विष पीने के बाद सीधे काशी आ गए। पार्वती जी ने कहा कि चलो हो गया, अब विष पान कर लिए, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल गया, अब चलो यार।
लक्ष्मी जी आई थी तो लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास चली गई, तो शिव जी विश्व मोहिनी के दर्शन से चूक गए। बाद में शिव जी पहुंच गए भगवान के पास। भगवान ने कहा, भोलेनाथ आप, क्या बात है प्रभु, हमसे भी चोरी? क्या चोरी? आपने चुपके चुपके एक स्वरूप बनाया और हमारी आपकी बात पहले हो गई थी, आप जो जो रूप बनाएंगे हमें सबका दर्शन चाहिए, हमें सबका दर्शन चाहिए। आपने विश्व मोहिनी का रूप बनाया कि नहीं? बोले बनाया तो था, लेकिन हमको दर्शन नहीं दिया। बोले बाबा आप जाने दो, तो हो गया सो हो गया। बोले ना, ऐसे कैसे जाने दो, हमको तो दर्शन चाहिए। तो क्या फिर से वही? बोले जी फिर से। तो मुझे स्त्री बनना पड़ेगा? बोले कुछ भी बनना पड़े आप, वो तो हमको दर्शन दीजिए। भोलेनाथ भी जिद पे अड़ गए। सोचो महादेव का जिद कौन उसको पार कर सकता है। भगवान शिव जी की बातों को टाल नहीं पाए। बोले बाबा देख लो आपकी विरक्ति खत्म हो जाएगी, माला जप रहे हो, भूल जाओगे मोहिनी माया है, अपना ख्याल करना। बोले चाहे जो हो जाए, जब इस सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, जो होगा देखा जाएगा। प्रभु आप तो अपना रूप बनाओ, हमें तो दर्शन दे दो बस। वाह, भगवान ने विश्व मोहिनी का रूप बनाया, बड़ा सुंदर उपवन वाटिका उद्यान तैयार हो गया, पार्क। देखती देखते पार्वती जी वहीं साथ में, और देखते क्या है, शिव जी की एक सुंदरी सी कन्या मंद मुस्कान लिए कमर को कस के बांधे हुए बॉल खेल रही है। बॉल गेंद खेल रही है। तो शिव जी देखे, अरे बड़ी सुंदर है, अद्भुत है, क्या वाह, क्या चाल है, क्या मटक मटक है, क्या चितवन है, क्या लालिमा है, क्या मुस्कान है, अनोखी अदा, हर चीज पर शिव जी अब तो मुग्ध हो गए मानो। अब शिव जी से रहा नहीं जा रहा, और होते होते वो गेंद शिव जी की तरफ आ गई। उसने एक बार गेंद इधर ही फेंक दिया। शिव जी ने कहा कि बढ़िया मौका है, गेंद चुरा लो, आएगी जरूर इधर। शिव जी ने गेंद उठा लिया, वो आ गई गेंद, गेंद। अब तो शिव जी उसी को दर देखे और रूप माधुरी में खो गए। ऐसे माधुरी में खोए महादेव, ऐसे खोए कि भानी भूल गए अपना, कि पार्वती बगल में ये क्या सोचेगी, तन्मय हो गए, अभेद अद्वैत का अनुभव करने लगे कि हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती की जय, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजय। एकदम अद्वैत का अनुभव किया, प्रीत तहा पर्दा नहीं, पर्दा रहे नहीं प्रीत, प्रीत करे पर्दा रखे यह तो दुश्मन की रीत है। क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद मोहिनी रूप खत्म, शिव जी ने ज्यों ही उसको पकड़ा छिना झपटी में, ओ मोहिनी गायब, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। वहीं शिव जी ने देखा कि प्रभु का आलिंगन मिल रहा है, धन्य है आज, धन्य हो गया, कृतकृत हो गया। भगवान ने कहा कि महादेव
जिस किसी भाव से कोई मेरा भजन करता है उसको फल वही मिलता है। आज आपने मेरा आलिंगन काम भाव से किया, काम परिणाम अब यह जो विकार है ना, ये विकार कोई बीज होता है गेहूं का, चने का, मटर का, होता है कि नहीं? तो उसको बीज को अपन क्या करते हैं, धान के बीज को खेत में डालते हैं, जहां मिट्टी और पानी पड़ा फिर से उसमें अंकुर आ जाता है और बड़ा पौधा होता है। ऐसे ही जब यह काम क्रोध लोभ मोह आदि का विकार का जो बीज है, यह बीज जिस दिन भगवान से जुड़ जाएगा तब यह निर्बीज होगा। कैसे? जैसे वही बीज चने का, गेहूं का, धान का, जो भी है, यह बीज यदि एक बार चूल्हे पे चढ़ जाए तो क्या फिर अंकुर होगा? आग में, आग के संबद्ध से जैसे दुनिया के सारे बीज दग्ध हो जाते, जल जाते हैं, फिर वह निर्बीज हो जाते हैं, वैसे आपके जो विकार है काम क्रोधादि विकार, जब प्रभु से जुड़ जाएंगे तो यह विकार नहीं, ये तो आपका, आपकी भक्ति हो जाएगी, आपकी सेवा हो जाएगी, आपका समर्पण हो जाएगा और ये सब विकार निर्बीज हो जाएंगे। और उसके बाद महादेव ने कामदेव को जलाकर भस्म किया था, आपको तो मालूम ही है। तो कोई भी हमारा विकार यदि भगवान से जुड़ जाता है तो वह विकार नहीं रह जाता। सूत जी महाराज कहते हैं कि बहुत सुंदर प्रश्न है। वेद व्यास जी महाराज जिन्होंने 18 पुराण, 18 उपपुराण, वेदों का विस्तार और वेदांत सूत्र आदि का, ब्रह्म सूत्र का निर्माण किया, उन्होंने ही श्रीमद् भागवत की रचना करी है। 17 पुराण आदि सभी पुराणों का वर्णन होने के पश्चात मन में कुछ अशांति बनी रही कि हमने प्रेम का निरूपण नहीं किया। एक बात विचार करना, आपके पास सब कुछ हो, आपको घर में भोजन मिले, वस्त्र मिले, सब कुछ मिले, लेकिन यदि किसी का प्यार ना मिले घर में, किसी का प्रेम ना मिले, आपको घर अच्छा लगेगा? कोई प्रेम से बेटा कहता है, कोई पप्पा कहता है, कोई स्वामी कहती है, यही तो प्रेम है। आपको घर में आपसे कोई बात ना करे इस तरह से, और केवल बस भोजन रख दिया है टेबल पे, कर लेना है? एक पति पत्नी में एक बार ऐसे ही हो गया विवाद, तो आपस में बोल चाल बंद। सबसे पहला यही काम होता है घरों में, होता है कि नहीं होता? चलो अच्छा है, कम से कम बोलती बंद करके ही काम तो चलाया। कुछ तो सामान फेंकना शुरू करते हैं, तोड़ना फोड़ना भी शुरू कर देते हैं। तोड़ना फोड़ना नहीं, कम से कम बोल चाल बंद कर दे, ठीक है? एक दंपति बोल चाल बंद कर दिया, बोले नहीं। अब वो भोजन बना करके टेबल पर रख दे, भोजन रखा है टेबल पर, किसी को भूख लगे तो खा लेना, वो भी समझे चलो भाई खा लेते हैं, तो वो भी अपना भोजन कर ले, ऑफिस चले जाए। वहां से आए, अपने कपड़े वपड़े रख दिए, कुछ सामान लाना तो ला के रख दिया, केवल बोलना नहीं, जरूरत की सामान ले आता, सब काम ठीक चल रहा था। काफी दिन बीत गए, केवल बोल चाल बंद है। उस व्यक्ति को सिगरेट पीने की आदत थी,
तो घर के बाहर वो होता है ना, क्या बोलते हैं, बालकनी, बालकनी में खड़ा होकर के ऐसे हाथ रख करके वो सिगरेट पी रहा था। एक लत होती है, बुरी लत किसी को लग जाती है। और वो धोती पहनता था बेचारा, तो सिगरेट की जो जली हुई कश होती है वो धोती पर गिरी, धोती में आग लग गई। अब इसको पता नहीं कि मेरे धोती में आग लगी, पीछे खड़ी पत्नी देख रही थी, उसने देखा इसकी धोती जली जा रही है, और मैं बोलूं तो बोलूं कैसे इसको, और नहीं बोलूं तो धोती के साथ पूरा शरीर जल सकता है। प्रेम तो है लेकिन बोलचाल बंद है। बेचारी उससे रहा नहीं गया, तो आखिर में उसने चिल्लाया, अरे नहीं बोलना है तो मत बोलो, लेकिन अपनी धोती तो संभालो कम से कम। और आखिरकार वो पानी लेकर पहुंच गए, एक बाल्टी पानी ऊपर से डाला, अरे क्या हुआ, क्या हुआ कि अपनी धोती का संभाल तो रखो कम से कम। उसने कहा भले धोती जाए तो जाए, तुम्हारी बोली तो सुन लिया कम से कम, तुमने बात तो कर ली इसी बहाने। जमाना जाए तो जाए, पर तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता। चेहरे को प्रसन्न रखना, परिवार के प्रेम के खातिर सामने वाले को दुख ना हो जाए, हाँ मुस्कुराता हुआ चेहरा रखना, कम से कम सामने वाला का दुख तो दूर हो जाए, आपको देखते उसके चेहरे में एक गहरी मुस्कान छा जाए, उसका भी एक दुख दूर हो गया, पुण्य मिलेगा। वेद व्यास जी थोड़े उदास हुए, भगवान को याद करने लगे कि प्रभु क्या करें, पता नहीं चल पा रहा। तब भगवान की कृपा से देवऋषि नारद पधारे, नारद जी पूछने लगे क्या बात है। वेद व्यास जी ने कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्यों इतनी चिंता सता रहे। तब नारद जी ने कहा कि आपने पुराणों में, महाभारत आदि ग्रंथों में बहुत वर्णन किया, लेकिन एक भक्त और भगवान का जो सच्चा प्रेम है उस प्रेम का वर्णन नहीं किया आपने। एक उत्कृष्ट जो प्रेम होता है उस प्रेम का परिचय नहीं दिया अभी तक, उस प्रेम का विस्तार करिए। ऐसा प्रेम कैसा प्रेम, बोले जो जिस राह पर चलना किसी कांटों की सवारी से कम नहीं है, उस सच्चे प्रेम का वर्णन, उसका निरूपण आप करिए। भक्त और भगवान के प्रेम का निरूपण करिए। तो श्रीमद् भागवत में प्रधानतया यह प्रेम रस है, जैसे रामायण में कर्म रस है, श्रीमद् भागवत में प्रेम रस प्रधान है, मैं तो यही कहूंगा। प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, नगर मत जाना, नगर
सार हो प्रेम नगर मत जा हो प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर प्रेम नगर मत शिखर ठिकाना शिखर ठिकाना मुसाफिर प्रेम नगर मत जाना प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर प्रेम नगर मत जाना काली सेवा करते हुए
प्रेम का जो डगर है, प्रेम का जो मार्ग है, इतना आसान नहीं है। ब्रह्मानंद कोई बिरलार पहुंचे, 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 आवे पद्मिनी रे वो तो आवे पद्मिनी रे नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना, प्रेम नगर मत जाना, प्रेम नगर मत ब्रह्मानंद कोई विरला है, बहुत विरल है, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं। प्रेम के पंथ पे पांव रखना ही बहुत कठिन है। ये एक ऐसा पंथ है, एक खुशरो दरिया प्रेम का उल्टी या की धार, जो निकला सो डूब गया और जो डूबा वो हुआ पार। इसकी ऐसी दशा है, जो जो डूबता नहीं वह पार पाता नहीं। तो चलिए क्यों न डूब करके निकला जाए। प्रेम के पंथ रखे जो पाव, सो प्रीत की रीति निराली बतावे, मन भावन पे सब कुछ वार के, हारे तो जीत का हर्ष मनावे। ये प्रेम की विशेष बात है, सब कुछ वार के, हारे जब जब हारे तब तब जीत का हर्ष मनावे, प्रेम और भक्ति के संगम पे परमात्मा से हो एकात्म नहावे, और प्रेम नदी इतनी गहरी जो डूबे नहीं तो पार न जावे, जो डूबे नहीं तो पार न जावे, डूबना पड़ता है। द्रुमिल गोप की पत्नी कलावती से देवर्षि नारद का पूर्व जन्म हुआ था, और पूर्व जन्म में जो कलावती थी नारद जी की मां, बचपन में ही उसके पिता का द्रुमिल गोप का देहावसान हो गया, तो मां बेचारी दूसरों के घरों में बर्तन बासन चौका रसोड़ा में खाना बनाने का काम करती। एक समृद्ध ब्राह्मण के घर में वह काम करने लगी। एक बार गांव में चौमासे में संत पधारे, संतों की पहले मंडली चलती थी, बहुत सारी मंडली, वामदेव मंडली, संत नामदेव की भी एक मंडली चलती थी। तो उस समय में मंडली आई, तो मंडली की सेवा में उस समृद्ध ब्राह्मण ने नारद जी की माता को कहा कि आप जरा इसके संतों के यहाँ झाड़ू बहाड़ो चौका बर्तन जो सेवा हो करना, तो करने लगे। वहाँ चौमासे में संत
प्रातः जल्दी उठ करके स्नान आदि करके प्रातः काल संध्या वंदन करते, हरिनाम संकीर्तन करते, ठाकुर जी की सेवा करते, भगवान को भोग लगाते, आरती उतारते और कथा कहते। एक संत बाकी सब कथा सुनते, कथा सुनते सुनते भगवान के प्रेम की प्रसादी नारद जी को मिल गई संतों की कृपा से। नारद जी कहने लगे, वेद व्यास जी हमें तो प्रेम का प्रसाद वहां मिला, निराले संतों को देखा हमने कि अद्भुत प्रेम है भगवान में, अद्भुत प्रेम। संतों ने हमें भी प्रेम का प्रसाद दिया और तब से मैं भगवान की खोज के लिए व्यग्र हो गया। मां के आग्रह से संतों ने हमें घर में रहने के लिए कहा, बाद में मां के चले जाने के बाद मैं संतों के पीछे पीछे हो लिया, भजन किया, भगवान की दिव्य झांकी का रसास्वादन किया, दर्शन हुआ, पुनः दर्शन चाहता था, लेकिन भगवान ने कहा इस जन्म में नहीं, आवती जन्म में, अगले जन्म में आपको हमारा दर्शन होगा। भजन करते करते शरीर छूट गया और अगले जन्म में ब्रह्मा के पुत्र बन करके मैं प्रकट हुआ और आज लोक लोकांतरों में जगह जगह विचरण करता हूँ, जब इच्छा तब भगवान के दर्शन करता हूँ। ये है प्रेम, तो अद्भुत। अब आप प्रेम गाथा लिखिए, भक्त और भगवान के प्रेम का वर्णन श्रीमद् भागवत के माध्यम से वेद व्यास जी ने नारद जी के प्रसाद से, उनकी प्रेरणा से रचना की और करके अब चिंता हुई कि आखिरकार इस परम प्रेम गाथा जो श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में है, इसका प्रचार कौन करेगा? क्योंकि यह तो ऐसा प्रेम तो कोई परमहंस करता है, जिसको अपनी फिकर नहीं हो वही तो सच्चा प्रेम कर सकता है। जिसको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, आज वर्तमान में किसी को भगवान नहीं चाहिए, भगवान से सब कुछ चाहिए, भगवान किसी को नहीं चाहिए। चाहे लोग हरिद्वार आए तब, चाहे काशी जाए तब, चाहे मथुरा जाए बांके बिहारी के पास तो वही, खाटू श्याम जी जाए तो वही हाल, प्रभु मेरी झोली भर देना। ये नहीं कहते मेरी झोली में आ जाना, ये कोई कहता है वहां? झोली में भर, झोली भर देना किस चीज से? हीरे मोतियों से भर देना। एक राजा को भगवान ने दर्शन दिया तो राजा बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान आपकी इस मनोहर झांकी को देखकर मैं गदगद हो गया, कृतकृत्य हो गया, मैं तो निहाल हो गया। खूब सेवा करता तो भगवान उसको अक्सर दर्शन देने लगे, प्रेम से प्रभु रिझते। राजा ने कहा कि प्रभु जैसे आप हमें दर्शन दिए वैसे पूरी प्रजा को आप दर्शन दे दीजिए, मैं बताना चाहता हूं कलयुगी मनुष्य को कि देखो कि भगवान इस समय में भी दर्शन देते हैं और सब